एन स्टार न्यूज। केंद्र की सरकार के तरफ से जब से कृषि कानून बनाए गए हैं तब से ही इन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के तरफ से लगातार संघर्ष चलाया जा रहा है। तब से ही इस संघर्ष में हर वर्ग अपना योगदान दे रहा है, चाहे कोई भी वर्ग हो, और हर वर्ग किसानी संघर्ष के साथ जुड़ रहा है। ट्रैक्टर, ट्राली, बसें, गाड़ियां, मोटरसाइकिल और साइकिलों पर सवार होकर दिल्ली आंदोलन में पहुंच रहे हैं। लेकिन एक 70 वर्षीय बुजुर्ग किसान हरभजन सिंह, जिसने बटाला के नजदीकी अपने गांव लालवाला से गुरु का ओट आसरा लेकर दिल्ली किसानी आंदोलन में शामिल होने के लिए दौड़ लगानी शुरू की है। 500 किलोमीटर का दिल्ली तक का सफर ये बुजुर्ग किसान दौड़कर पूरा करेगा। 70 वर्षीय बुजुर्ग किसान हरभजन सिंह के तरफ से रोजाना 35 किलोमीटर दौड़कर सफर तय किया जाएगा और 15 दिनों में दिल्ली किसानी आंदोलन में पहुंचेंगे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी फतेह जी। हाँ जी, सरदार हरभजन सिंह जो कि अज 11 मार्च नूं रवाना होणगे, संगत सारे इन्हां नूं रवाना करन वास्ते इत्थे पहुंची हुई है। धन्नवाद करदे सारिआं दा, आप सब मीडिया दा। सो हाँ जी, इन्हां दे नाल प्रबंध इन्हां नूं लै के जिहड़ी स्टे नाइट आ उह हैगी आ, पहला जिहड़ी हैगी आ इत्थे मैते चौंक हैगी आ। बाकी जो लोड़वंद सहायता वालियां चीज़ां वा उह सारियां असीं लै चुके हां, नाल प्रबंध पूरा कीता होया है। बाकी जिदा संगतां दे हुक्म अनुसार अगे तो अगे कहणगे उदां करदे जावांगे। हाँ जी, डॉक्टरी इन्हां दी फस्ट एड डॉक्टर भी नाल पूरी लोड़वंद चीज़ां सारियां लईआं होईआं। किन्ने मैंबरां दी टीम नाल जा? हाँ जी, 7 मैंबरी कमेटी है जी। की कहना चाहते हो, पंचायत वालों की सहयोग मिल रहा है? पंचायत वालों जी असी सारा सहयोग देंदे पे हाँ, उन्हां दी सारी जो भी इन्हां दा प्रोग्राम दे सारा असी इंतजाम किया होया वा। डॉक्टरी सहूलत वगैरह जो भी उन्हां दा खाण पीन दी आ, हर प्रकार की उन्होंने सहूलत, उन्होंने गाड़ी ठहराव वास्ते सारे अगे संपर्क किए गए हैं, कितने कितने उन्होंने ठहराव कराने से। सरकार को कहना चाहते हो, जज्बा बड़ा वड्डा है क्योंकि नौजवान जिते डटे हुए हैं उत्थे हुण बुजुर्ग भी? जज्बा तो सर बहुत वड्डा वा, इन्ना जज्बा नौजवानों में नहीं है। जज्बे को असी ये सलाम करते हैं, ये साढ़े इलाके वास्ते माण वाली गल है भी इन्नी उम्र में दौड़ लगा के पहुँच रहे हैं। असी यही कहना चाहते हैं भी ये तिने काले कानून रद्द किए जाए, तो जो सारे किसान आ साढ़े वो खुशी खुशी अपने घर पर। यह जी लम्मा जदों कि दिल तो किया ना तंग, तो सरकार ने साढ़े तो बड़े तगड़े फैसले साढ़े जमीन बेचती साढ़े प्यों दादियों ने, तो ये सरकार ने पहला तो हक ही नहीं बेचन दिया, बेची है ना किस तरह साढ़े तो निगाह जा कुछ न्याणा जो ट्रैक्टर से छाल मार के चढ़ जाते, ये अंदर तुम समझ नहीं आती। सानू समझ क्यों नहीं आती? सानू समझ आउंदी आ, सानू उस तरह कही जाते भी इन्हों समझ, जे अं बेसमझे होंगे अज नूं जां देश मर जाता तो जां सरकार मर जाती, जे धक्के वाले होंगे तो धक्के ना नहीं मोदी हाँ लैना, अह बह के हक लैना है, हक सारे लैके आवेंगे, उस तरह नहीं मुड़ते अं अं साडा हक इत्थे रख, साडा हक इत्थे रख। किन्ने दिन च सफर तय करोगे? 12 दी आस रखदे आ। रोजाना किन्ने किलोमीटर दौड़ोगे? 40 किलोमीटर करांगे। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ? 35 ਵੀ ਹੋ ਜੂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਦੌੜ ਦੀ? ਕੀਤੀ ਹੈ ਦਰਮਿਆਨੀ ਜੀ ਕੀਤੀ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਸੱਚਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ? ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਚਾਰੇ ਕੋਣੇ ਮੱਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਵਾਂਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਲੱਦ ਨਾ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਰਜ ਨਾ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਾਜ ਹਾਂ, ਮੈਂ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਨਾ ਗਿਣੋ, ਮੈਂ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਹਾਂ। ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆ, ਬਾਬਾ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦੌੜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਉੱਡ ਕੇ ਬਾਜ ਵਾਂਗੂ।